आतंकवादियों और अलगाववादियों की पनाहगाह बन चुके कनाडा की भारत ने ऐसी खबर ली कि वहां की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अक्ल ठिकाने आ गई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले ट्रूडो भारत से दोस्ती की वकालत करते नजर आए। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस मुलाकात के एजेंडे को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मुलाकात में भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक संकट के बारे में भी बातचीत होगी। I don't want to preview the conversations he will have in that meeting, but as we've made clear, we've raised this, we have engaged with our Indian counterparts on this and encouraged them to cooperate with the Canadian investigation, and we continue to encourage them to cooperate. जयशंकर और ब्लिंकन के बीच होने वाली बातचीत के मुद्दे पर ही अमेरिका ने खामोशी इख्तियार नहीं कर रखी है, बल्कि अमेरिका ने इस बारे में भी बताने से इनकार कर दिया कि कनाडा की जांच में भारत सहयोग करने को तैयार है भी या नहीं। Engagement you had with the Indians, do you see sense of cooperation from them? I'm not going to speak to our private diplomatic conversations. हालांकि जिस तरह इस पूरे विवाद में अमेरिका ने कनाडा का पक्ष लिया है, उससे ये जरूर तय है कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत भारत उसे अपनी चिंताओं से अवगत कराएगा। एस जयशंकर अमेरिका को कड़ा संदेश जरूर देंगे, जो कनाडा जैसे मुल्क का पक्ष ले रहा है जिसने आतंकियों और गैंगस्टर्स को पनाह दे रखी है। जस्टिन ट्रूडो को उम्मीद थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने कनाडा का मुद्दा उठाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि ब्लिंकन कनाडा की चिंताओं से भारत को अवगत कराएंगे। लिहाजा जयशंकर और ब्लिंकन की मीटिंग से पहले जस्टिन ट्रूडो अमेरिका से भारत के सामने इस मामले को उठाने की गुहार लगाते नजर आए। The Americans have been with us in speaking to the Indian government about how important it is that they be involved in following up on the credible allegations that agents of the Indian government killed a Canadian citizen on Canadian soil. लेकिन एक बार फिर जस्टिन ट्रूडो को मुंह की खानी पड़ी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आतंकी निज्जर की हत्या के मामले को नहीं उठाया। विदेश विभाग के मुताबिक ब्लिंकन और जयशंकर के बीच भारत की G20 अध्यक्षता, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, डिफेंस, स्पेस और ग्रीन एनर्जी पर चर्चा हुई। जानकारों की माने तो अमेरिका के कनाडा से करीबी रिश्ते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अमेरिका कनाडा के लिए भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को हाशिए पर नहीं रख सकता। यही नहीं, कनाडा से अमेरिका नाराज भी है, क्योंकि उसने आतंकी निज्जर के मामले में भारत पर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए। अमेरिका को लगता है कि ट्रूडो ने इस मामले को सार्वजनिक कर बड़ी गलती की है, तो शायद यही वजह भी है कि ब्लिंकन और जयशंकर की मीटिंग के बाद भी अमेरिका की ओर से कनाडा मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ब्लिंकन और एस जयशंकर की मुलाकात को लेकर कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। पत्रकार सवाल पूछते रह गए और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उन सवालों को दरकिनार करते रहे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सिर्फ इतना कहा कि वो भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत का कोई ब्यौरा नहीं दे सकते। So one of the practices I'm going to what Secretary Blinken or other representatives of this department will say in their meetings before. I will speak for myself. Before the secretary has a chance to say it directly to those counterparts. इसके बाद विदेशी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि कनाडा की जांच में सहयोग करने की अमेरिकी अपील को लेकर भारत का क्या रुख है। In your continuous engagement, when you're urging the Indian government to cooperate, what kind of feedback are you getting? I'm not going to speak to. They can speak for themselves. I'm not going to speak to what they say in private diplomatic conversations. I will speak to what I say or what we say. जाहिर है भारत कनाडा के बीच जारी तनातनी अमेरिका के लिए एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, लिहाजा वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ना तो अमेरिका की मजबूरी को समझ रहे हैं और ना ही खालिस्तानी आतंकवादियों पर लगाम लगा रहे हैं। उल्टा उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह आतंकी निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका को साबित करें। लिहाजा कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले की जांच में जुटी है। निज्जर की हत्या की तफ्तीश का जिम्मा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की IHIT को दिया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को अब तक की जांच में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि जिस गुरुद्वारे के बाहर निज्जर को मारा गया, वहां लगे CCTV की फुटेज के आधार पर कनाडा की पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है।
ब्रिटिश कोलंबिया के सरे स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब के प्रवक्ता गुरकीरत सिंह के मुताबिक आरोपी लंबे समय से निज्जर पर नजर गड़ाए बैठे थे। गुरकीरत सिंह ने सीसीटीवी फुटेज देखा है और उनके मुताबिक निज्जर के हत्यारे उसकी दिनचर्या से अच्छी तरह वाकिफ थे। मतलब ये कि आतंकी निज्जर को सोच समझ कर मारा गया, लेकिन सवाल है कैसे, क्योंकि हरदीप के बेटे बलराज निज्जर ने दावा किया कि उसके पिता की कैनेडाई खुफिया सेवा के अधिकारियों के साथ हफ्ते में एक या दो बार रोजाना बैठकें होती थी। मतलब आतंकी निज्जर की सिक्योरिटी टाइट थी। वैसे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ भी हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि भारत को घेरने और बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने निज्जर की हत्या करवाई। अब सवाल उठता है कि कनाडा में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी निज्जर की हत्या कैसे करवा सकती है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी निज्जर और कनाडा में सक्रिय ISI एजेंट्स के बीच मुलाकातें होती रहती थीं। फंडिंग से लेकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती थी। यही नहीं, कनाडा में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के दो एजेंट्स राहत राव और तारिक कियानी मौजूद हैं। वो कथित तौर पर उन आतंकवादियों के भी हैंडलर हैं जो भारत से आ रहे हैं और मोस्ट वांटेड की सूची में हैं। संभावित व्यावसायिक कारणों और नए ड्रग पेडलर्स से अधिक फिरौती पाने के लिए राव और कियानी निज्जर की हत्या को अंजाम दे सकते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर के पड़ोस में ISI के कई पूर्व अधिकारी रहते हैं। आतंकी निज्जर को खत्म करने का काम शायद ISI के इन्हीं लोगों में से किसी को दिया गया होगा। वैसे भी किसी अनजान व्यक्ति के लिए निज्जर के करीब जाना नामुमकिन था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलर्ट रहता था। जबकि निज्जर किसी के करीब था तो वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और उसके एजेंट्स थे। Z News.